करीब 30 घंटे की पूछताछ की। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को फिर बुलाया। सरकार बनाएगी अतिथि गृह, द्वारिका के सेक्टर 19 में दिल्ली सदन के नाम से बनाने की योजना। सुरक्षा बलों ने ढेर किए 24 घंटे में 5 आतंकी, बैंक मैनेजर और रजनीवाला के हत्यारे भी मारे गए सवाल। दिल्ली में बदलेगी कोर्ट, पुलिस और राजस्व विभाग की भाषा, LG ने सरकारी विभागों को दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका DB भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। महाराजगंज के ब्रजमनगंज ब्लॉक में भ्रष्टाचार चरम पर है। आलम यह है कि महिला समूह की महिलाओं के लिए आए धन को ब्लॉक कर्मियों एवं समूह की कुछ महिलाओं की मिली भगत से निकाल कर खर्च कर दिया गया है। धन निकासी की कोई भी जानकारी महिला सदस्यों को नहीं है, न तो उन्हें किसी प्रकार का भुगतान दिया गया है। समूह की महिलाएं हमारे चैनल के माध्यम से ब्लॉक कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं। आपको बता दें कि मामला ब्रजमनगंज ब्लॉक के हनवा ग्राम सभा का है, जहां सलामती देवी पत्नी तूफानी ने अपनी बात लिखित पत्र पर पत्रकार को बताते हुए कहा कि हम लोगों द्वारा संकर महिला एवं स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया था, जिसमें ड्राई राशन वितरण में समूह चयनित हो गया। राशन वितरण एवं पैकिंग के लिए हमारी मजदूरी रुपया 78,000 एवं 22,000 खाते में आया था, जिसको ब्लॉक के ही वीर प्रताप सिंह व प्रिय समूह की अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को बहला फुसला कर दोनों लोगों द्वारा पैसा निकलवा दिया गया और हम लोगों को फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा करवा कर बिना मेहनताना वितरण के पैसे को खर्च कर दिया गया। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी ब्रजमनगंज गिरिजेश प्रसाद से संपर्क किया गया तो वो विभागीय कार्य के लिए क्षेत्र में दौरे पर थे। टेलीफोनिक बात करने पर वीडियो ब्रजमनगंज ने बताया कि शिकायत मिली है, जांच की जा रही है, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम ब्लॉक पे गए थे और जो है फर्जी अंगूठा लगाए का हमारा पैसा सब निकाल ली थी हमन के नाम पे और जो है कोनो सुनवाई नहीं हुआ। फरुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र की चौकी फैजबाग, जहां पुलिस कर्मियों की भाषा शैली को लेकर कस्बे के व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा था। यहां तक कि क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर भी स्थानीय पुलिस की भूमिका निष्क्रिय बनी हुई थी। आरोप है कि पुलिस कस्बे में छोटे बड़े व्यापारियों का उत्पीड़न कर उनका शोषण कर रही थी। इस संबंध में भाजपा नेता जय गंगवार के नेतृत्व में कस्बे के व्यापारियों ने 15 जून को फैजबाग बाजार बंदी का निर्णय लिया गया था। बाजार बंदी सूचना उप जिलाधिकारी कायमगंज को ज्ञापन के जरिए दी गई थी। जिलाधिकारी फरुखाबाद, ADG कानपुर जॉन, विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार आदि को भेजी गई थी। बुधवार को प्रस्तावित बाजार बंदी का ऐलान होने के कारण व्यापारियों द्वारा अपने अपने प्रतिष्ठानों को स्वेच्छा से बंद रखकर आक्रोश व्यक्त किया गया। यही कारण है कि पुलिस चौकी फैजबाग में शिकायत करने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती चली गई। लोग शिकायतों को लेकर जाना भी नहीं समझते। लोगों का कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी में जाएं, पुलिस उल्टा शिकार बनाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वहीं अपना दल के युवा नेता सुमित गंगवार ने कहा, जरूरत पड़ी तो क्रमिक अनशन भी किया जाएगा। क्या समस्या है आप लोगों ने, दुकानें कैसे बंद की? भाई दुकानदार भाइयों की समस्याएं यहाँ पे जो दीपक कुमार जो की जाए वो आए दिन दुकानदार भाइयों को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और उनसे पैसे की वसूली करते हैं और यहाँ पे चोरी की समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसकी एक आध की रिपोर्ट लिखी जाती है, बकाया लिखी नहीं गई है। अभी कुछ दिन पूर्व चोरी हुई तो इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की? केवल रिपोर्ट लिखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई अभी तक हमें संतोषजनक जवाब मिला है। उत्तर प्रदेश के महनपुरी किसनी वेवर मार्ग पर ग्राम ढडोस के पुल के पास आज शाम लगभग 6 बजे के किसनी की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो ट्रक से बचने के चक्कर में सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया। मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी में 2 युवक सवार थे जो कि भौगांव के रहने वाले हैं। गाड़ी गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़ा हादसा होने से टल गया। गाड़ी सवार इटावा से अपने घर भौगांव जा रहे थे। महाराजगंज जिले के बजमनगंज थाना क्षेत्र में धानी गांव में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। पंखा चलाने के लिए बोर्ड में स्विच ऑन करते समय करंट की चपेट में आकर मां बेटी की मौत हो गई।
इस हादसे के बाद कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि धानी गांव की 35 वर्षीय निशा चौधरी बुधवार दोपहर स्नान करने के बाद फर्राठा पंखा चलाने के लिए स्विच ऑन करने पहुंची। इस दौरान वो करंट की चपेट में आकर तड़पने लगी। मां को छटपटाता देख उनकी 14 वर्षीय बेटी करिश्मा उसे बचाने के लिए पकड़कर खींचना चाही। इस दौरान पंखा उन पर गिर गया। दोनों करंट की चपेट में आ गई। हादसे के समय घर में कोई नहीं था। कुछ देर बाद पड़ोस के किसी ने देखा तो शोर मचाया। प्रधान ने एम्बुलेंस मंगाकर दोनों को CHC भिजवाया, लेकिन दोनों को नहीं बचाया जा सका। मैनपुरी के कुसमरा चौकी क्षेत्र के ग्राम नगला तारा में प्रदीप सविता उर्फ टिंचू परचून का खोका रखकर अपना जीवन यापन करता है। उसके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। आज सुबह लगभग 6 बजे उसने अपना खोका खोला और ग्राहकों को चलाने लगा। खोके के पास करीब 7-8 लोग सामान लेने के लिए जमा हो गए। तभी अचानक बगल में खड़े नीम के पेड़ की एक काफी मोटी पिंडी खोके के ऊपर आ गिरी, जिससे उसमें बैठे प्रदीप व प्रदीप का भाई छोटू दब गया, जिससे उन दोनों लोगों के गंभीर चोट आई है और वहां खड़े बिमलेश साके को छुटपुट छोटे आई। आनन फानन में ग्रामीणों ने खोके में दबे दोनों युवकों को बाहर निकाला और उपचार के लिए कुसमरा के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। देखते रहिए DB भारती समाचार। नजर नियमों की अनदेखी और वास्तविकता को छिपाकर सिद्धार्थनगर जिले में भी किसान सम्मान निधि लेने वालों की एक बड़ी तादाद निकल कर सामने आई है। कृषि विभाग में मानक की अनदेखी कर किसान सम्मान निधि लेने वालों को रिकवरी का नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद योजना का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से अब तक करीब 15 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 करोड़ से ऊपर की रिकवरी सिद्धार्थनगर जिले से होनी है। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने गरीब किसानों को खाद बीज की समस्या दूर करने के लिए ₹2,000 हर 4 महीने पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में भेजना शुरू किया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन उस वक्त उस गाइडलाइन को दरकिनार कर बहुत सारे अपात्र किसानों ने भी इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। अब तक 11 किस्तों के रूप में 6,20,85,00,000 रुपया किसानों को वितरित किया जा चुका है। कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 15 लाख रुपए की रिकवरी सिद्धार्थनगर जिले से हो चुकी है। जनपद में वर्तमान में 3,77,726 परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उसमें से 2619 कृषक परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं, और पोर्टल पर उसकी व्यवस्था ऑनलाइन है। इनकम टैक्स विभाग से विभाग ने सूची लेकर के सभी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए, और निर्देश के पश्चात नोटिस जारी हुई है, जिसमें 15,20,000 रुपये अब तक जो है रिकवरी की धनराशि जमा हो गई है। वर्तमान में जनपद में 32,000 मृतक ऐसे हैं जो जिनके खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि गई है, और मृतक के होने के पश्चात जो धनराशि गई है उसकी वापसी के लिए भी विभाग ने कहा है कि उनको भी नोटिस जारी हो। विभाग का निर्देश ये है कि अगर वो हमारा TAC उनके जाके एक बार अवगत कराए, क्योंकि जो है कहा जाता है कि जीवन एक संघर्ष है, जिसके लिए व्यक्ति अपना सब कुछ अपने परिवार में बच्चों को खुश करने के लिए अंतिम सांस तक लगा देता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो बच्चे साथ छोड़ जाते हैं। कहावत है, चल अकेला तेरा जीवन साथी चल अकेला, ये गाना इस पर सटीक बैठता है। कासगंज शहर के नदरईगट स्थित चित्रगुप्त कॉलोनी की निवासी 46 वर्षीय मुन्नी देवी की मौत की कहानी इतनी दर्दनाक है कि आम आदमी का परिवार और इंसानी रिश्ते नातों से मोह भंग हो जाए। एक भरे पूरे परिवार के साथ रहने वाली मुन्नी देवी के बच्चे जब बड़े हुए तो धनोपार्जन के लिए दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त कॉलोनी में मौजूद अपने पैतृक मकान को भी बेच दिया। भरा पूरा परिवार एक माँ के बुढ़ापे को नहीं काट सका।
इस मृतक मुन्नी देवी ने अपने लड़के व लड़कियों के लिए पूरी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन मुन्नी देवी अपनी ससुराल के पैतृक जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जीवन की अंतिम सांस तक यहीं पर रही। कोरोना काल में भी स्थानीय लोगों ने मुन्नी देवी को खाना पानी देकर साथ दे दिया। वहीं मुन्नी देवी के पैतृक आवास को बच्चों ने बेचकर दिल्ली चले गए तथा अपनी बेबस लाचार माँ को सिर छुपाने के लिए रेलवे की खाली पड़े कैरिज को अपना आशियाना बना लिया। पेट भरने के लिए मुन्नी देवी पर भीख ही एकमात्र सहारा था। चार वर्षों से ऐसे ही अपनी गुजर बसर करने वाली मुन्नी देवी आज जो जिंदगी की जंग हार गई और उनका परलोक गमन हो गया। हैरत तो तब हुई जब उनकी मौत की सूचना स्थानीय निवासी अनिल ने उनके दिल्ली स्थित परिवार को दी तो उन्होंने आने से भी मना कर दिया। उनका अंतिम संस्कार भी मानवता के नाते सामाजिक समिति और वहां के स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाना तय हुआ है। पूरा मामला यह है, बीमार हो गई थी काफी दिन तक और कई साल से यहीं रह रही है, दो तीन साल से कम, तीन चार साल से यहीं से रह रही है। कोरोना काल भी ने यहीं काटा सारी चीजें, रेलवे ने कह दी कोई बात नहीं, पड़ी हैं बूढ़ी हैं, रहने दो उन्हें, उनका घरवार नहीं है, कोई बच्चे नहीं देख रहे हैं, इसलिए आज इनकी सुबह। क्या नाम है मृतक महिला का? मुन्नी देवी। कहाँ की रहने वाली है? चित्रित कॉलोनी। इनके परिजन नहीं आए? परिजन कोई नहीं आया, हमने वो फोन भी किया सबको, सबने मना कर दिया हम नहीं आ पाएंगे। कहाँ बाहर रहते हैं कि यहीं रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।